ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं जहां कैरव वापस आ गया है वहां एक बार फिर से ये पूरी फैमिली जाएगी कोर्ट, एक बार फिर से घर में आएगा डिवोर्स का पेपर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ नायरा और कार्तिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ वेदिका और कार्तिक की बात हो रही है। जी हाँ, जल्द ही आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वेदिका कार्तिक को डिवोर्स दे देगी, उसकी खुशियाँ उसे वापस कर देगी और हमेशा हमेशा के लिए उन सब की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाएगी। हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि वेदिका की जल्द ही इस शो से एग्जिट होने वाली है, तो इस तरह वेदिका इस शो से अलविदा लेगी। ये सब कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें आप देख रहे हैं कि अक्षत की घटिया चाल की वजह से, उसकी घटिया सोच की वजह से, उसकी घटिया कामों की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैरव, नायरा, कार्तिक, पूरा गुनाह का परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया, और ख़ासकर वो छोटा बच्चा कैरव। उसने अक्षत को एक अच्छा अंकल समझा था, जब तक अक्षत उसके घर था वो उसे अच्छा अंकल समझता था, लेकिन उसने कितना घटिया काम किया कैरव के साथ। कैरव इस वक्त बहुत सहम गया है, भले ही वो अपने मम्मी पापा के पास आ गया है यानी नायरा और कार्तिक के पास आ गया है, नायरा और कार्तिक और वेदिका उसे बचाकर घर ले आते हैं, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है, वो अभी भी किसी को देखकर बहुत सहम जाता है। वेदिका ने ये काम कर दिखाया, वेदिका ने ही कैरव को ढूंढा। कार्तिक और नायरा इस बात का एहसान वेदिका का कि उसने उसके बच्चे को बचाया कभी नहीं भूल सकते हैं। वेदिका जानती थी कि ये सब कुछ अक्षत का किया धरा है, वो उससे बदला लेने के लिए, उसे पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, और पैसों का लालची तो अक्षत पहले से ही था। ऐसे में वेदिका उस सही जगह पर पहुंचकर कैरव को बचा लेती है। कार्तिक अक्षत की बहुत पिटाई करता है, लेकिन फाइनली अक्षत बच के भाग निकलता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी फैमिली घर आएगी कैरव को लेकर, सब लोग कैरव को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। दादी सोचेंगी माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि कैरव वापस आ गया, सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन वेदिका को लगता है कि अब इनके सुख से, इन खुशियों से उसे दूर चले जाना चाहिए। उसने पहले ही सुन लिया था कि कार्तिक नायरा को प्रपोज कर रहा है, वो उसे अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है। उसे पता है कि नायरा और कार्तिक एक दूसरे के लिए बने हैं, कोई कितना भी उनके बीच में आ जाए लेकिन कार्तिक वो प्यार किसी और से कर ही नहीं सकता जो वो नायरा से करता है। वेदिका यहाँ पर सबको एक बार फिर से इकट्ठा करती है और सब देखते हैं कि वेदिका किसी कागज़ को लेकर कार्तिक से बात करना चाह रही है। जैसे ही वो सब कागज़ उस कागज़ की तरफ नज़र डालते हैं, वो डिवोर्स पेपर होता है। वेदिका सबके सामने कहती है कि उसे कार्तिक की ज़िंदगी से दूर जाना है, क्योंकि वो और कार्तिक एक कभी हो ही नहीं सकते, वो कार्तिक के लिए बनी ही नहीं है। कार्तिक के लिए सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही लड़की है, वो है नायरा। नायरा ये बात सुन के, वेदिका की बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वेदिका को दिल से थैंक यू कहती है, उसके बच्चे को बचाया और आज उसका पति, उसका प्यार, उसकी ज़िंदगी वो वापस कर रही है। वो कार्तिक को कहती है कि इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे और वो हमेशा के लिए नायरा का हो जाए। कार्तिक तो ये कहने ही वाला था, कुछ दिन पहले कार्तिक ने बिना किसी बात के वेदिका को सॉरी बोला था। वेदिका ने पूछा था क्या बात है, कार्तिक ने कहा था वक्त आने पर बता दूंगा। वो यही कहना चाहता था कि वो और कार्तिक साथ नहीं रह सकते, उसे उनकी ज़िंदगी से दूर जाना होगा। और फाइनली वेदिका डिवोर्स पेपर पर साइन करेगी, कार्तिक भी साइन करेगा और वेदिका हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाएगी। एक बार फिर से कार्तिक, नायरा और कैरव एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगेंगे। लेकिन जैसे ही इस घर में खुशियाँ आती है फिर से टेंशन शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि नायरा की ज़िंदगी में टेंशन ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता है, खुशियाँ कम टेंशन ज़्यादा। हम नायरा को भी यही सलाह देंगे कि जैसे ही खुशी आती है अपने कार्तिक और कैरव को कस के पकड़ लो, कहीं मत जाने दो, हमेशा साथ रहें कार्तिक और नायरा और कैरव, हम सब यही चाहते हैं। अब वेदिका कैसे जाती है, कैसे होता है इनका डिवोर्स, ये सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।